पूज्य महाराज जी ने स्वर्ग बनाया, एक एक बच्चा चप्पा चप्पा हर ईंट उन्होंने यहाँ पर रखा है, मच्छर माफिया से निजात दिलाया, रोजगार दिया है, अध्यात्म और ज्ञान का, एजुकेशन का, हेल्थ का केंद्र बन चुका है गोरखपुर। कहीं नहीं, ये सब ठग बंधन है, ये सब गायब हो जाएगा। ऐतिहासिक मत हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के झोली में डालेंगे। ये सबसे गंभीर चुनाव देश में आज पहली बार हो रहा है जहाँ एक अकेले मोदी जी खड़े, 26 दल उनको रोकने के लिए आया। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर लोकसभा सीट पे। देश और दुनिया की नजर है इस सीट पे, क्योंकि ये सीट जो है वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की रही। 5 बार यहां से वो सांसद रहे हैं और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यह सीट फिल्म स्टार रवि किशन को सौंपी और यहाँ के सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहला प्रश्न, इन 5 वर्षों में यहाँ की जनता ने आपको सांसद बनाया, जो प्रमुख विकास कार्य रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐतिहासिक काम। जी जी जी, आजादी के बाद जितना काम यहाँ, 1,00,000 करोड़ का काम हुआ है केंद्र और राज्य का, 1,00,000 करोड़ का। जी जी जी, तो गोरखपुर आज वो सब ऋण मोदी जी और योगी जी का चुकाने के लिए तैयार है। आगे सर, जनता यहाँ की चुनती है, क्या मुद्दे हैं, क्या और सोचा है यहाँ की गोरखपुर वासियों के लिए करने के लिए आपने? यहाँ भी 50% काम हुआ है। जी जी, जैसा पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद है। जी जी, पूज्य महाराज जी की सोच के अनुसार अभी यहाँ पर ये स्वर्ग बनेगा। जी 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 जी, स्वर्ग भैया हो, 1 तारीख के सबके जुटान होके के चाहिए, 10-10 घर का जिम्मा ले ला, ठीक है। इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में आप कहाँ देख रहे हैं सांसद जी? कहीं नहीं, ये सब ठग बंधन है, ये सब गायब हो जाएगा। जी जी जी, ये सिर्फ इन लोगों ने लूटने का काम किया इस देश को, जातवाद के नाम पे तुष्टिकरण की राजनीति की। अरविंद केजरीवाल का एक बयान अभी सामने आ रहा, बहुत चर्चित है, वो कह रहे हैं पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और सीएम योगी को चुनाव के बाद हटाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे आप? देखिए, आदमी जेल से आता है तो थोड़ा दिमाग पे असर रहता है। जी जी जी, और उसी दौरान ये एक तारीख के सबके बेटा, सब दोस्त यार को बढ़िया बॉडी बनाए हो, जिम जाते हो, वेरी गुड, 1 जून को सबको लेके निकलना। जी जी जी, अरविंद केजरीवाल जी के बयान पे क्या आप बता रहे थे? असर हो गया। जी जी, यही घर है क्या? जी भाई, माइक ठीक है भाई, 1 जून के प्रधानमंत्री आवास यही था क्या? ये वाला, ये देखिए, अब ये प्रधानमंत्री आवास कैमरा दिखाओ। जी जी, प्रधानमंत्री आवास, ये इतना लाभ मिला है गोरखपुर की जनता को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास। जी जी, ये देखिए, जी जी, लाइन से प्रधानमंत्री आवास मिला है, देखिए ये भी घर रजावती जी। आवास की तरफ कैमरा कर दीजिए, आवास की तरफ कैमरा करिए। जी जी जी, सांसद जी, गरीबों के लिए अभी क्या आपने और सोचा है? का काबा प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत हमारा निवेदन है कि हमको घर मिल गया है, और क्या इससे बड़ा मेरे का काबा देवतुल जनता के वोट करे खातिर मोदी जी के क्यों वोट करें? सब मोदी जी सबके लिए लाभदायक है हुए हैं इस समय, और मोदी जी ने हमको घर दिया है, राशन दे रहे हैं, और हर हर महादेव। अरे कैमरामैन, और मोदी जी ने ये घर लाइन से दिया है। जी जी जी, प्रधानमंत्री आवास आप देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। सर, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट संभालते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और किस रूप में आप सर इसे लेते हैं? मुख्यमंत्री की गद्दी है। जी जी जी, और गोरखनाथ बाबा की है, तो एक सेवक के रूप में। जी जी जी, ईमानदारी से देखिए, लाइन से घर मिला है, प्रधानमंत्री आवास की तरफ दिखा दीजिए। ये भी देखिए, पूरा मोहल्ला प्रधान मंत्री आवास जी में बनाया, और वित्तीय 2019 और 20 में मिला है। जी जी जी, ये मेरे प्रधानमंत्री बोलते ना, गरीबों के मसीहा। जी 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 जी, ये देखिए, जी जी जी, ये प्रधानमंत्री, तो आप देख सकते हैं इस समय सांसद जी जिस जहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, लोगों के एक भारी संख्या सांसद जी के आसपास दिखाई दे रही है। सबको निषाद समाज को, और निषाद बाहुल्य जगह है, निषाद समाज को और दूसरे समाज को, जितने दलित समाज को, सबको प्रधानमंत्री आवास, ये पूरा मोहल्ला बसाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने इन सारे गरीब समाज को दिए जो गरीबी रेखा से नीचे थे।
प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को भारत में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, उसमें गोरखपुर भी है। जी जी। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पूरा मोहल्ला, ये पूरा टोला जी जी जी। दिल से धन्यवाद करता है। सोचिए पूरी एक बस्ती बसाई है हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी ने, और ये गोरखपुर है जो आप पूरे भारत में दृश्य देखते हैं। ये भी जानना चाहिए जिस मोहल्ले में खड़े, जहाँ आपकी नज़र जाती है सब जगह प्रधानमंत्री आवास मुफ्त में मिला है, इससे बड़ी बात क्या होगी। और इसीलिए गोरखपुर एक ऐतिहासिक मतों से अपने प्रधानमंत्री को जिताने जा रहा है, और आप देखिएगा ये आशीर्वाद में। सांसद में पहली बार सांसद बने और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले सांसद बने, उस दौरान आपने निषादों के लिए एक बिल भी की भी मांग की थी, उसके बारे में थोड़ा सा। क्यों, मैंने निषाद समाज का, मैं एकमात्र सांसद हूँ जो निषाद समाज के लिए बिल मांगा है, वो बिल में इनके जीवन बीमा मांगा है। ये मछुआरा समाज के लिए, निषाद परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए, अचानक में कुछ उनके साथ दुर्घटना घटना होती है तो उनके परिवार को एक जीवन कवर हो, एक बीमा हो, उसके बिल मैंने प्राइवेट पेश किया है। और मुझे पूरा पता है मेरे विश्व के नेता मोदी जी इस पर पूरा काम करेंगे, और निषाद समाज का मेरा बिल पारित होते ही ये समुदाय को बहुत बड़ी खुशहाली मिलेगी। अंत में जनता से, गोरखपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ऋण चुकाना है जी जी। मोदी योगी जी दो निस्वार्थ संत हैं, पूज्य महाराज जी ने स्वर्ग बनाया, एक एक बच्चा चप्पा चप्पा हर ईंट उन्होंने यहाँ पर रखा है, मच्छर माफिया से निजात दिलाया, रोजगार दिया है, अध्यात्म और ज्ञान का, एजुकेशन का, हेल्थ का केंद्र बन चुका है गोरखपुर, फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ, रोजगार हम ला के रख दिए। अब हमारा समय आ गया है कि 10 साल जो मोदी जी ने किया, 7 साल जो पूज्य महाराज जी ने किया, वो एक एक कार्य का हमको ऋण चुकाना है। एक जिन को एक एक आदमी वोट गिरे, 400 पार का नारा तब सार्थक होगा जब एक एक वोट घर से निकलेगा। ऐतिहासिक मत हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के झोली में डालेंगे। ये सबसे गंभीर चुनाव देश में आज पहली बार हो रहा है जहाँ एक अकेले मोदी जी खड़े हैं, 26 दल उनको रोकने के लिए आया है। एक बहुत गंभीर चुनाव है, सबको बहुत सीरियसली निकलना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को निहोरा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को सचेत भी कर रहा हूँ। बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, जिन्होंने बताया कि इस चुनाव, यह चुनाव कितना खास है और ऋण चुकाने का चुनाव है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे वन इंडिया हिंदी। और हम जीते लिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनकर चुनाव लड़ा थे नम सेवा के। 3 नंबर और हम जीते लिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हम उनकर चुनाव लड़ा थे नम सेवा के।